नमस्कार दोस्तों, तो इंडियन सिनेमा के रेबल स्टार यानी कि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम फाइनली कल यानी कि 11 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, जहां पे दोस्तों इस फिल्म को काफी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है। और ये फिल्म दोस्तों साल 2022 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म भी साबित होने वाली है। ये फिल्म दोस्तों एक रोमांटिक पीरियड लव स्टोरी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें कि दोस्तों हमें प्रभास के साथ साथ पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगी। और इस फिल्म का दोस्तों निर्देशन किया है राधा कृष्ण कुमार ने। आप सभी को बताते चले दोस्तों कि 350 से 400 करोड़ रुपए के बजट में तैयार की गई फिल्म राधे श्याम को कल दुनिया भर में लगभग 8,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में ही लगभग 5,000 स्क्रीन्स मिली है। और ये फिल्म दोस्तों साल 2022 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनने के लिए भी तैयार है। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि फिल्म ने जहां अपने डिजिटल राइट और सैटेलाइट राइट्स बेचकर ही लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई अपने रिलीज से पहले ही कर ली थी, तो वहीं दोस्तों अब इस फिल्म ने अपने वर्ल्ड वाइड थिएटरिकल राइट्स बेचकर भी 202 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई हासिल कर ली है। जहां दोस्तों आप सभी को बताते चले कि फिल्म राधे श्याम के जो थिएटरिकल राइट्स हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बेचे गए 106 करोड़ रुपए में, कर्नाटका 12 करोड़, तमिलनाडु 6 करोड़, केरला 2 करोड़, फिल्म के हिंदी थिएटरिकल राइट्स बिके हैं 50 करोड़ में, जबकि ओवरसीज राइट्स बिके हैं 24 करोड़ रुपीज में। वहीं बाकी देश भर में इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो बेचे गए हैं 3 करोड़ रुपए में। इस तरह से दोस्तों फिल्म राधे श्याम का जो टोटल वर्ल्ड वाइड थिएटरिकल प्री रिलीज बिजनेस है वो 204 करोड़ रुपए का हो चुका है। आप सभी को बताते चले दोस्तों की फिल्म राधे श्याम को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, जहां पे दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 90 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन हासिल कर सकती है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का हिंदी लैंग्वेज का ही कलेक्शन फर्स्ट डे का 15 से 16 करोड़ रुपए का रह सकता है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन 130 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करेगी और साल 2022 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म ये साबित होगी। तो दोस्तों फिल्म राधे श्याम को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म राधे श्याम अपने फर्स्ट डे इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ रुपीज का ग्रॉस कलेक्शन हासिल करेगी? हमें अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म राधे श्याम के पब्लिक रिव्यूज और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।